बीजेपी पार्टी के तीनों विधायक जो भाजपा में शामिल हुए हैं आज राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात किए हैं। इस वक्त हमारे साथ राजू सिंह और मिश्रीलाल यादव जी हैं। सर, प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में आप लोग जेपी नड्डा से मुलाकात किए, क्या चर्चाएं हुई? क्या चर्चाएं हुई? हम लोग घर वापसी किए, इसलिए सोचे कि आकर के एक औपचारिक मुलाकात की, उनसे आशीर्वाद लिए कि पार्टी में फिर अच्छा से काम किया जाए, इसके लिए हम लोग आए थे। औपचारिक मुलाकात थी, इसके अलावा कुछ नहीं। आप कह रहे हैं घर वापसी हुई, मुकेश सहनी कह रहे हैं कि धोखा दिया। धोखा तो मुकेश सहनी जी ने दिया पार्टी को। मुकेश सहनी जी को 2 साल की बनी हुई पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने 11 सीट दिया, और 11 सीटों का उन्होंने ख्याल नहीं रखा, इतनी बड़ी सम्मान का भी ख्याल नहीं रखा, और यूपी के चुनाव में जाकर के योगी मोदी के खिलाफ बोलने लगे। तो मैं तो पहले 1 महीना पहले भी आप ही लोगों के माध्यम से बताया था कि अगर एनडीए में रहना है, भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में रहना है, तो योगी मोदी जिंदाबाद करना होगा, क्योंकि उन्होंने यूपी में बोला था कि योगी मोदी मुर्दाबाद ही करना पड़े तो मैं करूंगा। उस समय मैंने एक्सेप्टमेंट दिया था कि ऐसा संभव नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना है तो योगी मोदी जिंदाबाद करना ही होगा। और हम लोग का बैकग्राउंड, एनडीए का बैकग्राउंड रहा है, पिछली 4 दफे से मैं विधायक रहा हूँ, हम लोग को तो एक तरह से एक्सीडेंटली वीआईपी के सिंबल पर जाके चुनाव लड़ना पड़ा, एक दुर्भाग्यपूर्ण रहा। और हम लोग बीजेपी बैकग्राउंड के थे, बीजेपी बैकग्राउंड के हैं, और आज घर वापसी हुई है, इसके लिए हम लोग औपचारिक मुलाकात करने आए थे। आज बोल रहे थे कि भाजपा वालों ने मुझे रावण बना दिया। रावण के जब रोल में आएंगे, रावण तो नहीं बन सकते, कि रावण भी महाज्ञानी था, रावण महाविद्वान था, लेकिन हमको तो लगता है कि शायद इनको स्कूल से भेंट नहीं थी। रावण का भी नाम लेकर के रावण के नाम को भी ये खराब करना चाहते हैं। रावण की तो खुद इच्छा थी कि भगवान के हाथों कैसे मरूं, इसलिए उन्होंने उसने ये सारा लीला किया था। इसलिए रावण जैसे प्रतापी आदमी का नाम लेकर के वो अपने आप को भी ये कर रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं चल रही है, आप लोगों का भी नाम चल रहा है, अगर जिम्मेदारी मिलती है तो? देखिए, अगर जिम्मेदारी मिलती है तो हम लोग बखूबी उसको निभाएंगे, और ऐसा कुछ नहीं रहा है कि हम लोग इस कंडीशन पर पार्टी में वापस ही आए हैं। हम लोग कोई अनकंडीशनल, हम लोग पार्टी में, हम लोग जिस पार्टी के थे अपने घर में वापस आए। लेकिन अगर कहीं मंत्रिमंडल मिलती है तो प्रदेश का सेवा, वहाँ की जनताओं का सेवा, और हम लोग जानते हैं कि बखूबी मेरा अपना जो एक्सपोजर से, मैं 20 सालों तक दूसरे कंट्री में रहा, 20 सालों से यहाँ राजनीति कर रहा हूँ, इसलिए बखूबी मैं तो, अगर इस तरह की जिम्मेवारी मिली तो मैं कहना चाहूँगा आप लोग के माध्यम से कि मेरी हमेशा इच्छा रहती है कि जिस जो विभाग हम लोग को मिले, वो विभाग को बिहार का नंबर 1 स्थान पे ले जाऊं। इसलिए आज चर्चाएं हुई नड्डा जी से? नहीं, हम लोग इन सब चीजों पर कोई चर्चा नहीं की। हम लोग के देश के मुखिया हैं, देश के गार्जियन हैं, हम लोग सिर्फ आशीर्वाद लेने आए थे। मिश्रीलाल जी, आप भी घर वापसी किए हैं, क्या है कुछ खटपट होगी मुकेश सहनी जी के साथ? हमसे कहीं कोई खटपट नहीं है, आज भी खटपट नहीं है, वो धारा के विपरीत चलने लगे और हम लोग धारा के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मिल गए भारतीय जनता पार्टी में, और तो कोई खटपट नहीं है। राजनीति में किसी से खटपट थोड़े होता है, कि विचार का अंतर होता है, धारा का अंतर होता है, और लोग अपना दिशा बदलता है। मुकेश सहनी अभी भी माफी मांग के आ जाएंगे भाजपा में तो क्या साथ? एक बात समझिए, ना मेरे साथ कोई गलती किए हैं, ना माफीनामा दे सकते हैं। इनको तो जेपी नड्डा जी से, प्रधानमंत्री जी से, या मतलब अमित शाह जी से वहां जाके माफी मांगना चाहिए, और मतलब माफीनामा का प्रस्ताव देना चाहिए। हम कौन आदमी है जो हमारे नजदीक माफी मांगेंगे? हम तो एक साधारण आदमी है, विधायक रहे हैं और लगातार रहे हैं, तो माफीनामा का सवाल हमसे नहीं। नेतृत्व से अगर माफी मांगते हैं मुकेश सहनी तो फिर घर वापसी हो सकता है? घर वापसी के बारे में, माफी के बारे में भी नेतृत्व समझेगी। अगर पार्टी माफ कर देती है और उनको शामिल कर लेता है तो हमें क्या ऐतराज है जो मतलब वो इस पार्टी में नहीं शामिल हो, उनको सुबद्धि दे जो वो मतलब पार्टी में शामिल हो जाए, तो इससे बड़ा काम क्या हो सकता है। तो आज राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से जो वीआईपी के तीनों विधायक थे जो भाजपा में शामिल हुए हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के नेतृत्व में मुलाकात किए। मुलाकात के बाद हमारे साथ थे कैमरामैन विनीत सिंह के साथ केशव कुमार झा, कशिश न्यूज दिल्ली।